जिसने नहीं देखा हो तो सीएनजी इस तरीके से फील होती है। क्वांटिटी भी यार सही है भाई। ये कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं जो Hey guys, welcome back to another vlog। और अभी हम कोटा आ चुके हैं और मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, जो हमारा फ्रेंड है उसके लिए हम यहाँ आए हैं और थोड़ा कोटा को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिल जाएगा इसी बहाने। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर में वो आता है, तो आपसे मिलवाते हैं जुगल को जो कि हमारे कॉलेज का फ्रेंड है। A few moments later। तो आ गया भाई जुगल, आ गया भाई, आ गया आ गया, बैठो बैठो। आईफोन दिखा रहा है क्या? ये हमारा बेटा है। आईफोन मत दिखाया कर ऐसे। अबे दाढ़ी तो डाई करके आते साले बूढ़े। सब बढ़िया, तू बता। कोटा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम निकल रहे थे जुगल के घर के लिए और रास्ते में हमें मार्केट देखने को मिला और हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था क्योंकि कोटा के रोड इम्प्रूव किए जा रहे हैं। उम्मीद भवन पैलेस यहाँ पे भी जुगल के घर पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। तो जुगल के रूफ टॉप का सीन कुछ ऐसा दिखता है भाई, उसने बोला था रूफ टॉप जाकर देखना जरूर एक बार। ओह माय गॉड, अरे यार सर पे लग गई। तो यार काफी सारे प्लांटेशन किए हुए उन्होंने, तो यार काफी अच्छा बनाया हुआ है और पूरा ग्रीन जोन है। और मौसम यार देखो, हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि यार मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है, सनी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले ने सुन ली और क्लाउडी वेदर हो चुका है। वो यार काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, आप लोग तो जानते हैं कि मुझे प्लांट से कितना लगाव है। चलो यार और भी ऊपर है रास्ता, जाके देखते हैं ऊपर। ये देखिए बिल्डिंग काफ़ी ऊँची ऊँची बन रही है यहाँ पर, और ये नज़ारा कुछ कोटा शहर का। तो चारों तरफ का मैं एक बार आपको 360 दे देता हूँ। तो कोटा में यार विकास हो रहा है अभी, क्योंकि रास्ते में हमने काफ़ी सारे रोड्स देखे जो भी बन रहे हैं और काफ़ी ग्रीन है यार, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो कोटा का जो एनर्जी रिसोर्स है वो सामने दिख रहा होगा आपको, कोटा पावर प्लांट। चलो यार अब निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल ये है कुछ जुगल का घर और गलियाँ, निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई अपने ड्राइवर साहब बैठ रहे हैं, ड्राइवर साहब बैठ गए, सब रेडी है भाई ना दोगे। और अपन ने भी यार ये वाला टायर डाल लिया पूरा, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चेंज कर लिया। तो बाहर निकाल लो पहले, तुम निकल निकल, बच्चा है तो अभी। खाना खिला के ला रहा हूँ भाई, फ्यूल लेना भी जरूरी है तो फ्यूल ले रहे अपन। कितने का एवरेज दे रही है? 30-35। डलवाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता सभी को, यहाँ पे 93 रुपीज़ है यार पर लीटर सीएनजी का रेट। जिसने नहीं देखा हो तो सीएनजी इस तरीके से फील होती है। तो चलो यार अभी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद ही आगे का सफर तय करेंगे। तो विवेकानंद सर्किल के पास ही अपन यहाँ खाना खाएंगे। चलो भाई चलो 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 भाई, अपने खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं सीटें वगैरह। फाइनेंसर। तो चलो यार मेन्यू से देख के अभी ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये मुगल शाही पनीर कैसा है? मुगल शाही तो आज स्पाइसी है। हाँ तो वैसे चाहिए स्पाइसी चाहिए था। तो एक तो मुगल स्पाइसी वाला कर देना और एक दाल मखनी कर देना, और बताओ वेजिटेबल रायता कर देना। कितनी क्वान्टिटी कितनी आती है? एक रायता तीन जने को बताया था। हाँ तो एक ही लेना, एक ही लेना, इतना ये करना। अभी क्वान्टिटी तो रीऑर्डर कर देंगे हम उसके हिसाब से। बस और बाकी एक बार आ जाए, देन उसके बाद देख लेते हैं। रोटी और तंदूरी, तंदूरी बटर कर देना। तो भाई अपन ये पहले दाल मखनी कर रहे हैं तो, और दूसरा कर रहे हैं अपन मुगल शाही पनीर। पतासी वाले में तो चार बंदे खड़े होते हैं ना, जब अपना नंबर आता है वो ऐसा लगता है बहुत देर में आ रहा है। लगा मेरे को यार नीचे से जलता हुआ, ये तो शानदार है चिमनी में।
ये फर्स्ट टाइम देखा यार ये चिमनी जलती हुई। ये तो चालू है। वाओ ये दाल क्वांटिटी भी यार सही है, सही है। मतलब बाल्टी का जो देते हैं ना, वो बाल्टी का वो तो स्कैम है भाई। अरे वो बाल्टी है ना, हाँ ये अपने को देख के लेकर आए गांधी सिंह का। और भाई रोटियों की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। दाल मखनी है और ये सेव टमाटर की सब्जी है और ये मुगलई पनीर है और ये हमारा कौन सा है फ्रूट रायता। बाकी ये तो आपको पता ही है सैलेड वगैरह रोटी। तो यार इसकी रेटिंग अगर मैं दूं आउट ऑफ 5 तो इसको दूंगा 4.5, इसको दूंगा 4 और इसको दूंगा 3। तो भाई ये बिल बना अपना और खाना काफ़ी टेस्टी था और 5 लोगों में 810। तो फाइनेंसर साहब हमारे जुगल जी दिखा रहे हैं गड्डिया मोटो भी गड्डी तो यही नहीं। खाना खा के मजा आ गया ना? आया कि नहीं? निकलो मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल खाना खिला के मजा आ गया। तो भाई ओवरऑल जो खाना था काफ़ी टेस्टी था और हमने थोड़ा सा पैकिंग कर ली है, पोटली बना ली है क्योंकि यार जो फ्रूट रायता का टेस्ट था वो मैं मिस नहीं करना चाह रहा। अभी टीम मचाया था कुछ आतंक, अब चलते हैं यहाँ से, सब हो चुका है फुल। तो भाई जैन रेस्टोरेंट में हमने सब लोगों ने मतलब ढंग से खाना खा लिया है और 810 रुपये में 5 लोगों का खाना मतलब 165 के आसपास कुछ पर हेड पड़ रहा है। और काफ़ी अच्छा मतलब सर्विंग का जो मेथड था, स्टाफ बहुत पोलाइट था, प्लस खाना भी टेस्टी था। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब रियल ओपिनियन हमारा। तो यार जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा ज़्यादा, मतलब दुकानें नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है क्या है, गडरिया महादेव, गडारिया गडारिया महादेव जा रहे हैं, तो वहाँ पे पानी बहुत रेयरली मिलता है। 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पानी के लिए आए हैं। तो यार दूर में गाड़ी खड़ी है तो सीधा सनलाइट की रोशनी है। एक गाय ने पूरा रोड कवर कर रखा है। टायर एक टायर अभी लाइन सेट के थोड़ा यू हो के इधर आ गया। नहीं नहीं बड़ा मिलाया था क्या? आवाज हो जाता है खाने में, कुछ मिलाया था क्या? केला केला खाया था भाई गाय ने। 15 क्या 18 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई को गाड़ी चलाने। माय गॉड, मतलब केक कटिंग से गाड़ी फिसल सकती है। लेना सी गई थी थोड़ी सी। अबे यार ये ज्यादा हो गया यार। लेकिन इतने सारे कंटेनर क्यों लगे हुए हैं? ये तो मिक्सर है। किसके लिए? लेकिन केमिकल के कैप्सूल नहीं, नहीं अरे मिक्सर अलग होते हैं, केमिकल आता है इनके अंदर। और कितने सारे खड़े हैं यार। सीमेंट में मिलता है केमिकल जिससे सीमेंट रूम बनती है भाई। तो केमिकल ही केमिकल हैं तो सारे। क्या हो गया सबको? सांप कैसे सूंघ गए यार? और तो वीडियो मन से तो सब देखने लग जाते हैं। हां यार वही मैं सोचता भी जब सर कैमरा में रख देता ना टाइम बचाने के, यही देख लेते पूरा वीडियो आज ना देखेगा। मैं जब कैमरा निकालता हूँ तब सब चुप हो जाते हैं, नहीं तो बक बक बक। अच्छा नहीं नहीं शानदार है यार। अब हाईवे पे चढ़ रहे हैं टोल गेट। ओ वो एक हैंगिंग ब्रिज। और शाम को वही देखेंगे भाई, सबसे पहले वो हैंगिंग ब्रिज का रास्ता। ये कितने किलोमीटर होगा? 3-4 होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो भैया आ गए अपन हाईवे पे। NH विच वन? MH NH यार NH ये NH 8 रजत बताओ भाई कौन सा हाईवे है? चितौड़ वाला कौन सा है? हाईवे विच वन? 2727 तो 27 था पहले। 27 पहले नहीं है, नहीं बता पहले। 27 ये सबसे बड़ा है ये रास्ता। अच्छा NH 27 कौन बोलो ना जानकारी देने पहले मिलिट्री तो इसलिए नहीं ऑन किया इसको। अच्छा सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। यार इतनी अच्छी चीज़ को इन्होंने चालू नहीं किया। तो भाई ये पुल पूरा बनकर रेडी हो गया लेकिन इसके उस तरफ मिलिट्री एरिया होने की वजह से इसको इनॉग्रेट नहीं किया, इसको चालू नहीं किया आम जनता के लिए। देसी अजय देवगन भाई मेरे को एक टाइम तो लगा ये खड़ा हुआ है। We'll be right back.
महादेव का, 5 किलोमीटर यहाँ से, 5 किलोमीटर रह गया बस। मतलब वो जो पहाड़ है ना, पब्लिक ने गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी कर ली है। तो भाई ये कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर एंट्री करने पे आपको पे करना होता है। तो पहला भारतीय नागरिक के लिए 126, यानी कि फॉरनर्स के लिए है, गैर भारतीयों के लिए 777 और भारतीय विद्यार्थियों के लिए 42। बाकी ये जिप्सी का है तो आप पॉज करके देख लीजिए, और वो काउंटर है वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दिए, और गाड़ी अंदर ले जाने के 300 रुपये, और थोड़ा सा दूर है तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। टिकट काउंटर भाई, तो यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर।